हरियाणा और दिल्ली से होते हुए आज पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर में और यहाँ पे कुछ लोग उसे बातचीत कर रहे हैं और फोन पर बैठ के बात करेंगे सब जगह, क्योंकि जो हरियाणा की 12 तारीख की मीटिंग है एमएसपी के सवाल पे, ये मीटिंग होने जा रही है क्योंकि कुछ नेता हमारे एसकेएम के जेलों में बंद हैं। एक तरफ सरकार एमएसपी बढ़ाने का ढंडोरा पीटती है और दूसरी तरफ उस पर खरीद नहीं होती, लोगों को गुमराह किया जाता है, पूरा देश के सामने ये दिखाते हैं कि देखो एमएसपी हम बढ़ा रहे हैं। और ये भी देश को पता रहना चाहिए कि जो एमएसपी भारत सरकार बढ़ाती है, जो पैसे बढ़ाती है, वो 100 किलो पे बढ़ाती है, केजी के हिसाब से अगर बढ़ाएंगे तो पैसों में आएगा वो। हम जो भी अब बात करेंगे तो केजी में बात करेंगे, कितने रुपया किलो ये बढ़ा रहे हैं और उसकी खरीद हो रही या नहीं हो रही। जो हरियाणा में सूरजमुखी का मामला है, क्योंकि सूरजमुखी फसल आ गई, वो पूरा करनाल और जो पूरी बेल्ट पड़ती है, कुरुक्षेत्र अंबाला का जो बीच का पूरा बेल्ट है, इसमें सूरजमुखी पैदा होती है। 6400 रुपये क्विंटल उसकी वहां पे कीमत रखी भारत सरकार ने, लेकिन उसकी खरीद 4000 रुपये क्विंटल हो रही। 4000 रुपये क्विंटल का मतलब 40 रुपया किलो के आसपास का उसका रेट है। सरकार का रेट है 64 रुपये पर केजी, लेकिन उसकी खरीद नहीं होती, उसीलिए वो आंदोलन चल रहा। 12 तारीख में बड़ी पंचायत कुरुक्षेत्र पीपली में होगी, तो सभी लोग उस पंचायत में पहुंचे, आगे की जो भी निर्णय होगा वो उस पंचायत में लिया जाएगा। उसी दिन एक पंचायत नोएडा जेवर में होगी, वो वहां पे जो लोकल किसानों के इश्यू है, जो जेवर एयरपोर्ट पर रहा उन किसानों का मामला है, क्योंकि दोनों पंचायत एक ही दिन रखी गई। तो नरेश टिकैत जी और हम दोनों पंचायतों में जाएंगे, एक नोएडा जाएगा जेवर में और एक पीपली कुरुक्षेत्र में जाएगा। बहुत लोगों का प्रेशर यह रहता है कि जी आप ही आओ, आप ही आओ, आप ही आओ। एक आदमी एक ही पंचायत में जा सकता है, घर से एक आदमी पीपली जाएगा, एक जाएगा कुरुक्षेत्र में जाएगा, एक जाएगा नोएडा। तो यह प्रेशर ना पड़ा कि कौन कहां आएगा, जाएंगे समाज के लिए, पूरा घर परिवार और सब क्षेत्र लगे हुए हैं। अपना दोनों मीटिंग में लोग पहुंचे। 11 तारीख की भाजू में मीटिंग है, उसमें भी लोग पहुंचे, भाजू कट पे पहुंचे, वो शामली में पड़ता है। हर रोज हमारी मीटिंग कहीं ना कहीं रहती है, शांति बनाए रखे सब लोग, सरकारों से बातचीत होगी तो बातचीत भी करेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जो भी पीपली वाली मीटिंग को जो भी लोग देख रहे हैं, प्रशासन से है कि खाने पीने का जो पानी का अरेंजमेंट है वो वहां की सरकारें करें और जो आसपास के जो लोग हैं वहां पर खाने का इंतजाम भी रखें। बहुत दूर से लोग आएंगे, आप सब लोग पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, उत्तर प्रदेश।